इस बार 15 अगस्त से पहले आ रही है शेरशाह, जहां आपको दिखेगी एक ऐसे सिपाही की कहानी जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए शहीद हो गया। तो चलिए इसी फिल्म के कुछ कलाकारों से हम मुलाकात कर लेते हैं। एक फिल्म जो अपनी मातृभूमि के लिए हर कोई देखेगा, एक फिल्म जिसे नाम दिया गया शेरशाह का। कारगिल पर जब जीत का झंडा लहराया था उस वक्त की कहानी सबको याद दिलाएगी फिल्म शेरशाह। फिल्म के हीरो हीरोइन कियारा और सिद्धार्थ से तो आप सबकी मुलाकात हो ही चुकी है, अब बारी आती है फिल्म में और भी अहम किरदार निभाने वालों से मिलने की, जिसमें सबसे पहला नाम है निकेतन धीर का। उसके बाद छोटे पर्दे से शुरुआत करने वाले शिव पंडित, जिन्हें आपने सीरियल FIR में कई बार देखा होगा चंद्रमुखी चौटाला के साथ। ओरिजिनल्स कांग्रेचुलेशंस फॉर शेरशाह ट्रेलर, धूम मचा रही है हर जगह शेरशाह फिलहाल। तो सबसे पहले आप तीनों से ये जानना चाहूंगी कि आपका किरदार इसमें क्या है, क्या नया था और आप लोगों ने इसको प्रिपेयर कैसे किया, जो भी पहले जाना चाहेगा। Sure. Please. You know, इसपे जो मेरा किरदार है जो जिसको मैं निभा दर्शा रहा हूँ वो उसका उनका नाम है he's a living legend, I would like to call him, he's a hero of the Kargil war. He is a colonel now. His name is Colonel Sanjeev Singh Jamwal. उनको प्यार से fondly, you know, his comrades used to call him Jimmy के नाम से वो बुलाए जाते थे. उनका कोड नेम संग्राम था इन द वॉर, कि उनका क्या रिलेशनशिप था विक्रम बत्रा के साथ, विक्रम बत्रा के क्या कुछ एनेक्डोट्स उन्होंने हमारे साथ शेयर किए, हाउ विक्रम बत्रा वॉज इन द आर्मी। सो मीटिंग हिम वॉज अ ग्रेट आइस ब्रेकर फॉर मी, बिकॉज इट गेव मी द कॉन्फिडेंस टू सॉर्ट ऑफ, आई वॉज जस्ट वेरी लकी टू बी एबल टू हैव टू बी एबल टू मीट द पर्सन आई एम एक्चुअली पोर्ट्रेइंग इन रियल लाइफ एंड ही वॉज वेरी काइंड। Luckily, I was playing a commanding officer, so I had a great opportunity and was fortunate enough to live the character of who is now Lieutenant General YK Joshi sir, who is also called Joe. Of course, ये preparation मतलब इतना easy नहीं था, क्योंकि आप अगर real life किरदार को ऐसे legendary किरदार का you know you're trying to portray them, it's not easy. You have to be very very to the T. मैं मेजर अजय सिंह जसरोटिया का पार्ट प्ले कर रहा हूँ, एक बहुत बहादुर सिपाही, मेजर थे इसी 13 जैकरफ के, और इनके बारे में पढ़ने का मौका मिला थोड़े बहुत आर्टिकल्स, और जानने का एक मौका मिला कि ये किस किस्म के इंसान थे। तो मोर देन एनीथिंग एल्स इट वाज जस्ट a matter of great honor and pride that I got an opportunity to play this character. और हमारी कुछ physical similarities थी जिसके वजह से मुझे इस role के लिए cast किया गया। He was 6'2 or 6'3 in real life, so that's I'm also around that much. So that was one of the reasons why the physicality was very similar. जी, मैं ये आप तीनों से पूछना चाहूँगी, ये बहुत ही you know एक patriotic film है, बट यू नो एक मोमेंट आपसे पूछना चाहूंगी जब आपको भी गूजबम्स आए हो कोई सीन करते हुए, क्योंकि ऑब्वियसली वॉर फिल्म पेट्रियोटिज्म आ जाता है बीच में, तो हर किसी को वो एक मौका वो फील होता ही है, तो आप लोग जब कोई सीन कर रहे थे तो ऐसा कोई मौका था जहां पर आपको भी गूजबम्स आ गए हो? यार एक तो ऐसा इंसिडेंट नहीं है, मैं तो कहूंगा ये सारा एक्सपीरियंस ही गूजबम्पिश है। It's like living a dream, you know. तो but हाँ एक moment है जहाँ पे हम वो हमारा war cry होता है 13 Jackriff का, जो है दुर्गे माता की जय। I think that जब हम ओपी को capture करते हैं उसके बाद हमारा war cry होता है, जो trailer में भी है आपने देखा होगा। So वो मेरे लिए I think living that moment was a very bumpish moment। और निकेतन आपसे पूछना चाहूंगी कौन से pranks खेले सबके साथ? हाँ निकेतन जरा बताइए कौन से pranks खेले आपने? आई थिंक बहुत से ऐसे प्रैंक्स है जो हम पब्लिकली बता नहीं सकते, लेकिन एक चीज जो बहुत फनी लगती थी हम सबको कि जब भी एज ए यूनिट शॉर्ट्स होते थे या ऐसे मॉन्टाज में शूट करना होता था कि पूरा यूनिट साथ जा रहे हैं और हम भाग रहे हैं, उसी दिन शिव की तबीयत खराब होती थी, उसी दिन और सिर्फ उस समय के लिए, जहां वो पोर्शन की शूटिंग खत्म हो जाती थी शिव की तबीयत बिल्कुल सही हो जाती थी एंड यू विल बी बैक। और तबीयत मतलब लेट्स गेट मोर स्पेसिफिक, बैड स्टमक, दैट्स इट। या दैट्स इट, उसका वही एक्सक्यूज था जो होता है ना स्कूल में,
सो दैट वाज द वन मोस्ट हिलेरियस पार्ट ऑफ द शूट. हम लोग पहले से ही डिसाइड करते थे कि कितने बजे बोलेगा ये बताओ, उस पे शर्तें लगाते. शूट स्टार्ट होते ही बोलेगा कि एक आठ टेक के बाद बोलेगा कि रिहर्सल में बोलेगा, बताओ कब बोलेगा. So yeah, I think we've all had like a lot of fun. Yeah. So the shoot was so serious ki thoda sa mahol ko light rakhna was important. Thank you so much. Thank you. All the best. Yeah, hope thank you. Sher Shah aise hi bahut sare numbers laate rahe aur all the best to everyone. Thank you. Bye. तो ये थी SBS Originals के साथ इन सभी सितारों की खास मुलाकात. है मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.